हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आजकल आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि जो रील्स होता है उसमें आप देखते होंगे ये आई इफेक्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आई इफेक्ट बहुत ज्यादा लोग यूज करने लग गए हैं। इससे क्या होता है ना, थोड़ा वीडियो अट्रैक्टिव लगने लगता है। अच्छा। तो आप ये इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हो, मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनेगा, ठीक है, काफी आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से बता दूंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जोर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जोर से कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आप ये आई इफेक्ट कैसे डाल सकते हो अपने वीडियो में, ठीक है, बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली कैपकट एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है। अब आपको ये प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये ऐप आपको मिलेगा कहाँ। मैं कैपकट का लिंक आपको जो बेस्ट ऐप है, कैपकट का जो बेस्ट मोड है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे रखा हूँ, ठीक है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना और टेलीग्राम मेरे जाके ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपको कैपकट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्रो मोड है तो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको एक VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उसके बाद उसे VPN से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये आप कर लेना, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आप अपने वीडियो को लेना है, ठीक है, कैपकट के अंदर वीडियो को लेने के बाद मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप वीडियो ले लेना, वीडियो को लेने के बाद आपको आगे क्या करना है चलिए आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको मेरे लिंक से जाके VPN वहाँ से कैपकट डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये सिक्योर VPN है, ये भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये सिक्योर VPN को ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ओपन करोगे तो आपसे अगर अलाउ मांगे तो आप दे देना। उसके बाद यहाँ पे ऐड आ रहा है तो कंटिन्यू टू ऐप पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हो यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब देख सकते हो कनेक्ट हो गया। अब हम चलेंगे अपने कैपकट में, ठीक है, तो यहाँ से मैं कैपकट में आ गया हूँ, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जैसे यहाँ न्यू प्रोजेक्ट है ये ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, आपके जो भी रील्स होगा जिस पे आप आई इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी वीडियो पे आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है, उस वीडियो को सिंपली आपको लेना है। तो ये रहे मेरे, ये वीडियो जो एग्जांपल के लिए मैं दिखाया था वो वीडियो लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर लोडिंग हो गया मेरा वीडियो, देख सकते हो आ गया है। करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पर देख सकते हो इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 5th नंबर पे देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इफेक्ट करोगे यहाँ पे तीन ऑप्शन है, वीडियो इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट, उसके बाद है फोटो इफेक्ट, तो यहाँ पे बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करना है, ओके। 2nd पे बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करोगे तो अगर आपका VPN अच्छे से कनेक्ट रहेगा तो तुरंत से लोड ले लेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंडिंग में 1 पे है ये लाइटनिंग आइस, है ना, ये लाइटनिंग आइस, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो कलर में आपको यहाँ पे आई इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे येलो रखता हूँ, ठीक है, येलो हो गया, ठीक है। अब इसकी जो ग्लू इफेक्ट है इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, देख सकते हो, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसको आप 50 के आसपास रख लो, जो आपको अच्छा लगे जितना में, ठीक है, मैं 50 रखा हूँ, ठीक है। फिल्टर देख सकते हो, फिल्टर को अगर कम करोगे तो कम शो करेगा, मतलब ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो फिल्टर को आप 80 के आसपास रखो, सही रहेगा, ठीक है, देख सकते हो गया 80। उसके बाद इंटेंसिटी है, इसको थोड़ा सा घटाओ, अगर घटाओगे तो पूरा ही घट जाएगा, इसको बढ़ा दो, ठीक है। अब आप जितना रख सकते हो, 100 करोगे तो देख सकते हो कितना लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम रखो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रेंज है कि कितना दूर में उसका जो है फैला होगा, देख सकते हो यहाँ से रेंज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, देख सकते हो लग गया है, ठीक है। ये लास्ट वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है, ये देखो हो गया ना, देख सकते हो आप, एकदम परफेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे 1080p लिखा हुआ है उस पर आना है, 4K सेव करना चाहते हो तो 4K कर दो, फ्रेम रेट को 60 करना है तो 60 कर दो। वैसे मैं इसको 60fps में 1080p में कन्वर्ट वो करूँगा, ठीक है, एक्सपोर्ट। तो 1080p 60fps मतलब फ्रेम रेट, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, देख सकते हो बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको समझा दिया। तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। We'll be right back.